हेलो गाइस, तो हम वापस आ गए पोकेमोन एक्स में। तो यहाँ ख़त्म किया था पहले, और अब यहाँ से आगे चलना है। डैंडीमिल टाउन है ना ये, तो इससे आगे चलना है आज। एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन तो कर ही लेते सारी। हाँ यार, वो उनका कुछ हिडन वो था टास्क, पता ही नहीं क्या था, मुझे समझ नहीं आया। बस राइट थ्रू विद मामोस्वाइन। अच्छा, मैं मामोस्वाइन को मामोस्वाइन बोल रहा, वो बोल रहा था कि मामोस्वाइन के ऊपर बैठ के जाना अच्छे से। कल अच्छे से नहीं चल रही थी चीज़ें, लेकिन अब बहुत अच्छे से चल रही है। अब मामोस्वाइन अच्छे से चल रहा है और सारी लाइफ सही हो चुकी है। हाँ भाई भाई, लाइफ से क्या कनेक्शन, एक मामोस्वाइन ही तो चल नहीं रहा था, है ना। उसके अंदर लाइफ को क्या दोषी दे रही है। अंकल बात करो ना मेरे लिए। मेमोस्वाइन के पास इजीएस्ट पोकेमोन है जो राइड करने के लिए। अच्छा देखते हैं भाई, हमने अभी चलाया नहीं है। तेज होगा तो मजा आएगा यार, तेज के बिना तो यह घटिया ही होती है ये सब। अगर तुम मेमोस्वाइन की बैक पे चढ़ना चाहते हो, और तुम स्मैश भी कर सकते हो रॉक रायोन की तरह, तो शॉर्टली फ्रॉस्ट कैवर्न में मेमोस्वाइन गया था और उसको कुछ अलग लगने लगा था। वो एवेवन स्नो के बारे में चिंता कर रहा था, उसकी एनर्जी सोर्स और उसके बारे में। इस कारण वो मेमोस्वाइन का फ्रेंड था, तो उस कारण वो नहीं कर पाया अच्छे, मतलब चल नहीं रहा था यहाँ इस कारण। और बहुत सालों पहले एक अबावसनो आया था इस टाउन में एक मैमोस्वाइन को लेके, और वो मैमोस्वाइन यही था, और अबावसनो शायद से वही होगा, इसलिए इसको चिंता हो रही थी, ये बोल रहा है ये। और वो बहुत ही इंजर्ड था मैमोस्वाइन जब वो आया था उसके हाथों में, तो वो वहाँ के उसे ठीक किया गया फिर यहाँ टाउन में आके। तो इस कारण शायद से मैं स्वयं चिंता कर रहा था कि अब मसनों को कुछ हुआ तो नहीं ना। चलो ठीक है, चलो बैठते हैं। बैठ के नहीं पा रहे, अरे यार वो उतारनी पड़ेगी ना। हाँ साइकिल, साइकिल उतर जा, अब बैठते हैं। चलो अब ऊपर चलते हैं। इधर क्या है, जाना किधर है? ऐसी जगहों में बड़ी मुश्किल होती है जाने में, और एक तो इतने धीरे धीरे और चलते हैं ये चीज़ें, दिमाग खराब। कौन सा पोकेमोन आया? एक स्नोवर, और हमारे पास एमएम स्नो नाइट तो है ही, एमएम सोमाइट, पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, मेगा स्टोन ही बोल सकता हूँ मैं इसका। मेगा स्टोन है ही हमारे पास, तो उसके लिए इसे पकड़ ले। ओह माय गॉड, ये तो 1 हिट के हो गया। ग्रास आइस टाइप होता है ना, अच्छी टाइपिंग तो अच्छी है भाई, ग्रास और आइस। और हमें यार इन दोनों टाइपिंग की बहुत ज़रूरत है, इसे मैं रख लेता हूँ यार कहीं। Elite 4 ऐसा कोई इसके मतलब का हुआ तो फिर रख लेंगे यार इसे भी टीम में, थोड़ी मतलब लेवल अप कर लेंगे। लेवल अप उस समय तो भाई बहुत आसान होगा लेवल अप, क्योंकि हमारे पोकेमॉन भी तगड़े ट्रेन अप हो जाएंगे। क्या, हाँ चलो स्नोवर आया, चलो कोशिश करते हैं इसको करने की। वाटर टाइप इस पे इफेक्टिव नहीं होते मेरे हिसाब से, वाटर शुरिकेन करते हैं। चलो ये गया वाटर शुरिकेन, ये एक और बार वाटर शुरिकेन, एक और बार वाटर, नहीं हुआ तो नाक कटा दी हमारी। इनग्रेन कर रहा है तो ये हमारे शायद एब्जॉर्व करेगा एनर्जी। हाँ हेल से भी हमें इफेक्ट पड़ रहा है, तो इस पे क्या मार सकते हैं। चलो वापस वाटर शुरिकेन ही मारते हैं, ज़्यादा इफेक्ट दिया भी नहीं। एक दो तीन चार, हाँ चलो भाई एकदम सही एचपी पे लिया है। और तुम्हें पता है यार एकदम वो भी सही उस पे मिल रहा है, मतलब लेवल पे 39 लेवल बहुत। अरे यार इस गधे ने वो डैमर मार के खुद को भी डैमेज दे दिया और खुद मर गया, आने ही नहीं था तो बता देता यार पहले।
चलो आगे चलते हैं, दूसरे मिल जाएंगे, क्या कमी है। ये भाई इतनी सही लेवल पे मिला है, शायद 40 पे इवॉल्व होता है ये, पता नहीं पहले होता है या 40 पे होता है। तो 40 पे होगा तो बहुत जल्दी इवॉल्व होगा, बस एक रेयर कैंडी या कुछ लेवल अप कर देंगे और फिर अगले एपिसोड में देखने को मिल जाएगा आपको। ये थोड़ा अच्छा, यहाँ जा नहीं सकता ये, देखो यार हमारे पीछे आ रही होगी आवाज, पागल है कोई आदमी। चलो आगे चलते हैं, इस तरफ चलें उस तरफ चलते हैं, इस तरफ कुछ नहीं है। अरे मुड़ जा, क्या है, आइसिकल प्लेट। यार ये आरसीएस मिलता है क्या इस गेम में, मुझे पता ही नहीं है यार, जो ये आरसीएस की प्लेट्स मिल रही है हमें इतनी ज़्यादा, आप बताना यार हमें। चलो यहाँ से चलते हैं, उस तरफ क्या है, उस तरफ कुछ भी नहीं है। चलो छोड़ो, इधर वाले को भी तोड़वाना होगा, वहाँ भी रास्ता है, और किधर नहीं है रास्ता। चलो आज का एपिसोड शायद इसे ही वो करने में लग जाएगा, यही एक्सप्लोरेशन करने में लग जाएगा सारा एपिसोड। चलो अंदर चलते हैं, इस तरफ चलते हैं। अरे यार यहाँ क्या है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अरे यार यहाँ तो स्काई, यार इतनी ठंड ठंड में भी यहीं पड़ी हुई है छोरी, आज तो जी राइड दूंगा मैं अपने बायोमेसनों के पीछे। यार इस समय सरीना हमारे पीछे बैठी होती मज़ा आ जाता, वो हिस्टोरिकल एपिसोड तुम्हें याद है जिसमें सरीना ऐश के पीछे बैठती है, भी मस्त एपिसोड था, बड़ी तगड़ी एमरशिप दिखाई थी उसमें। अरे मैं कहाँ घुस गया, अच्छा उस तरह कुछ नहीं, ये भी थोड़ा अजीब ही है चलने धरने में। चलो तेज चलो तेज भाई, वो एपिसोड तगड़ा ही था यार, जो वो मेमो स्वाइन के ऊपर बैठते हैं ऐश और उसके पीछे सरीना, मजा आ जाता था देख के। चलो आगे भाई, हमारे पीछे बैठती तो क्या मजा आ जाता ना। ये स्नीजल का क्या करेंगे हम, चलो रन करते हैं या फिर एक बार फाइट कर ही ले, नहीं रन ही करते हैं। चलो चलो आगे चलते हैं, ओ चलो 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 आ गए आ गए आ गए। ये व्यू एकदम सही है, यहाँ से सब कुछ दिखेगा, कहाँ कहाँ जाना है हमें, बेकार नहीं भटकूंगा मैं। चलो आ गए, स्नो ओवर पकड़ूंगा ऐसे तो मैं, चल आ जा हमारी मुट्ठी में स्नो ओवर। ये गया हमारा, सर्फ ही मार रहा हूँ मैं सीधे, मरना तो नहीं चाहिए। यार इफेक्टिव तो था ही नहीं, अरे यार नाक कटवा दिया इसने तो, स्नोवर तू तो पागल है, 1 HP पे रुक जाता मजा आ जाता। अब मैं यार सीधे पोके बॉल फेंकने की कोशिश करूंगा, बेकार मुझे वो नहीं करना। स्विच राक्षस समरी, हाँ चलो 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 आगे चलते हैं आगे चलते हैं आगे चलते हैं आगे चलते हैं। चलो इस तरफ आ गए, फिर अब इस तरफ चलना है। वाह, मुझे, मैं पागल हूँ ना एक नंबर का, मतलब मुझे थोड़ा सा भी दिमाग। अरे छोरी आ गई, तो छोरी स्नीजल है ये, आप अगर मेरा पोकेमोन गो का देखते हो तो उसके अंदर मुझे शाइनी स्नीजल मिला था, इस ऐसा छोरी वाला भाई तगड़ा था वो। चलो रन कर दिया, चलो चलो गॉट अवे सेफली। अरे मैं इस तरफ क्यों जा रहा हूँ, अच्छा हाँ इस तरफ भी तो बच गए थे, मैं चला रहा हूँ खुद और भूल ही जा रहा हूँ कि यहाँ भी कुछ था, अजीब है ना मैं। चलो यहाँ भी शायद पत्थर कितने हैं, एक बार गिन देता हूँ, एक ही है, चल तोड़ अब स्नो।
अरे अबेहमत स्नो क्यों बोलता हूँ, मैमो स्वाइन है ये, और बार बार अबेहमत स्नो अबेहमत स्नो अबेहमत स्नो, पता नहीं क्या मुझे दौरे पड़ते रहते हैं। और गाइस ये थोड़ा एपिसोड में डिले भी हो सकता है यार, एक एक दिन का, कभी होता है नहीं कभी, क्योंकि अब मेरे पापा वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो लैपटॉप है वो उनके पास रहता है, तो क्या करूँ मैं, मेरी भी गलती नहीं है। और यार तुम थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करो, जिससे कि थोड़ा वो बने, हमारा मोटिवेशन मिले, और ज़्यादा टाइम रखें हम, बनाएं हम वो वीडियो। अगर मेरे 1,000 सब्सक्राइबर भी हो जाए ना, तो मैं तीन तीन बार भेजूँ, क्या बोलते, तीन तीन बार वीडियो एक दिन में कर सकता हूँ मैं आराम से, लेकिन यार आप मानते ही नहीं हो, इस कारण मेरी गलती नहीं है। चलो वो आगे चलते हैं। चलो आगे, अब कौन सा आया? स्नीजल, घटिया पोकेमॉन वापस आ गया। चलो रन। अरे यार एक तो ये रन भी नहीं हो रहा, और ये हिल से और मर रहा है हमारा ये राक्षस, वैसे ही ड्रैगन टाइप है, मरेगा ही। रन 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 रन, यार ये जाने ही नहीं दे रहा, इसको एक बार अटैक कर ही देते। ड्रैगन क्लॉ, ये नहीं, एक बार ही में नहीं गया। अब तो ऐसे घटिया अटैक कर लेना यार, हाइपर सुपर पोशन कर लेते हैं हमारे राक्षस पे। ये गया सुपर पोशन राक्षस पे। ओ माय गॉड, ये बैंड बजा दी इसने तो हमारी। ओ माय गॉड, तो स्नीजल तुझे मैं मार डालूंगा, बदतमीजी नहीं। चलो अब हमारा तगड़ा और लंबा चौड़ा पोकेमोन आ चुका हैवी स्लैम से, इसको एक बारी में उड़ा देगा गोलर्क, उड़ा दे इसे, उड़ा दे उड़ा दे, थप्पड़ मार के उड़ा, धड़, या मजा आ गया। चलो चलो बाय बाय। चलो एक और बैग में आके देखते हैं कुछ है क्या करने का। अरे हाँ ये फेंटेड हो रहा है, ऐसे थोड़ा पोशन वोशन दे, रिवाइव यूज दिस। चलो हो गया रिवाइव, सुपर पोशन हाइपर पोशन कुछ ढूंढना पड़ेगा, हाइपर पोशन तो ऊपर ही था लेकिन मुझे यूज़ नहीं कर सकता। चलो ये एक और बार, फिर गोलर्क की भी भरना पड़ेगी अभी एचपी, या फिर रहने दे, चलो भर ही देते हैं। चलो भर दी गोलर्क की एचपी, हो गया। वापस पत्थर पत्थर। यार एक भी स्नोवर नहीं मिला, पता नहीं अब शायद ही रूट का एंड ही है, क्या पता। ये गया तीसरा पत्थर, अब थोड़ा कोशिश करते हैं स्नोवर को लाने की। आजा स्नोवर। कौन सा आया? स्नीजल, तेरी तो मैं थप्पड़ मार के निकालूंगा यार, बार बार आ जाता है स्नीजल, दिमाग खराब करता है आके। हमारी राक्षस की लेवल इतनी कम है, इससे भी कम है इस छुटकू मुटकू पोकेमॉन से। 39 थी उसकी, 38 है हमारी राक्षस की। अभी एक बार आगे चल के देखते हैं क्या है। वहाँ तो शायद नया रूट ही आ रहा है, चलो छोड़ो, इस तरह चल के देखते हैं। यहाँ यहाँ आ जा रे आ जा रे आ जा, जब आना होता है नहीं आता कोई पोकेमॉन, और जब नहीं आना होता है, जब इतने आते हैं कि दिमाग, वाह आ गया रे आ गया, मजा आ गया। चलो इसकी भी करते हैं सैंडस्टॉर्म, जिससे कि हीलिंग इफेक्ट कम हो जाए और उसकी भी थोड़ी थोड़ी एचपी जाती रहे।
इनग्रेन। हाँ तो ग्रेन करते रहे। हाँ चलो, सैंड स्टॉर्म का इफेक्ट पड़ रहा है। अब इस पे सीधे पोकेबॉल यूज़ कर रहा हूँ मैं तो, क्योंकि आज ये लायक नहीं है कि मैं बार बार इसे कम एचपी करके मारूँ, तो सीधे पोकेबॉल का यूज़ करूँगा मैं। चलो पोकेबॉल और अल्ट्रा बॉल, कौन सा अल्ट्रा बॉल ही कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। वैसे ही बहुत टाइम वेस्ट कर लिया मैंने इस पर। पाँच है ना अल्ट्रा बॉल, तो इनसे ही करूँगा मैं तो। चलो गई अल्ट्रा बॉल। ये चलो आ गया क्या? वाह, वन हिट में आ गया। चलो एक ही पोकेबॉल गई, भी बड़ी अचीवमेंट है हमारी। चलो चलो आगे चलते हैं। चलो चलो निकनेम नहीं दे 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 क्या? मेरे पास एक निकनेम मेरे दिमाग में तो है भाई, एक रख लूँ क्या उसका नाम? रख ही लेते हैं। चल SANTA, सेंटा, अच्छा नाम है ना, इस पे सूट करता है इसकी पर्सनालिटी पे। अब जल्दी से चलते हैं, अब कोई पोकेमोन नहीं आना हो। चलो वाह, इतने धीरे धीरे चलता है रे ये आदमी। थोड़ा तो खा ले पी ले क्या? कुछ ज़्यादा ही खा लिया, थोड़ी डाइट कर ले रे, कुछ ज़्यादा ही मोटा हो रहा है। और चलो छोड़ो इसे, अब आगे चलते हैं। वो वहाँ से आगे आ ही नहीं सकता था क्योंकि वो है स्लोप है ऊपर। होलो क्लिप, कौन आ गया रे होलो क्लिप में? सरीना तू है क्या? ओ माय गॉड, तू तो 1000 साल जिएगी सरीना। ऐश, और क्या हो गया भाई, क्या हो गया ऐश, क्या हो गया? ये टाइम है कि मैं तुम्हें चैलेंज करूं बैटल में। मैं एनिस्टा सिटी जिम के सामने करूंगी तुम्हें चैलेंज। अच्छा, अच्छी लगा आवाज़ लगी इसकी। इस तरफ क्या है? ओए पोकेबॉल है, चलो छूटी नहीं हमसे। ये आ गई रेयर कैंडी, वही मस्त चीज़ मिल गई। अब मैं उसको कर सकता हूँ, वही हमारे क्या नाम है सेंटा को कर सकता हूँ इवॉल्व, अगर होगा वो 40 पे इवॉल्व। पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, तो कर सकते हैं। रेयर कैंडी नहीं, चलो ठीक है आ गई रेयर कैंडी। चलो बैक जाओ, इधर कुछ है? इधर कुछ नहीं है। चलो अब यहीं चलते हैं सीधे, अब और कुछ नहीं दिख रहा। थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, सॉरी, मैं कितना सॉरी मांगता हूँ तुमसे आवाज़ों के लिए। बात करते हैं, तुम जानते हो तुम इंटरेस्टेड हो क्या फाइंड करने में? हाँ भाई इंटरेस्टेड तो है कि साइंटिफिक प्रोग्रेस जब भी होती है अंडरस्टैंड कर पाओगे। भाई यार आवाज़ आ रही है खूब। ग्रीटिंग सर, ये है रूट 17 के लिए। अच्छा, अरे वहाँ भूतनी आंटी खड़ी हुई थी, उनसे बात करना है। एनेस्टा सिटी तो आई गई। भूतनी आंटी बताओ क्या बोलती हो? सारी छोरियाँ छोरियाँ आए हैं। मैं विश करना चाहती हूँ कि सनफ्लोरा एनेस्टा सिटी के सनडाइल के पास घूमे, क्योंकि वो फेस करता है सन को, और सनडाइल भी एक समय आता है कि वो सन को ट्रैवल करता है। अच्छा, तो सनलाइट उसको, अरे क्या बोली, मैं लास्ट टाइम नहीं पढ़ पाया, वैसे कुछ ज़रूरी नहीं था, बस बोली सनफ्लावर आ जाए यहाँ। यू देयर, छोरी ये, चलो सही आवाज़ निकाली। मैं इस जगह पे आई थी और मेरा नाम डगजियो है। मैं यहाँ आई थी एनिस्टा सिटी से। मैं लेजेंडरी पोकेमोन के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। सनडाइल के पास जाना है। ओ मैं तो भूल ही गई थी कि मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लाई थी, तो रिपीट बॉल्स दे दी इसे। चलो अच्छी चीज़ है, बस ये गिफ्ट देने ही आती है हर सिटी में। चलो हाँ ठीक है ठीक है, बेकार बात है नहीं। इस मोहतरमा से बात करते हैं। बात करो आंटी। मैं तुम्हें टिप देना चाहती हूँ, जो टिप होती है सनडायल की, वो मिस्ट्री नॉवल है और उसके बारे में कोई नहीं जानता कि क्या है उसके अंदर। अच्छा देखेंगे अभी सनडायल का क्या है। एनिशा सिटी, स्टारिंग सिटी, जो मेकिंग करती है हार्स को। अच्छा अब चलो हील करवा लेते हैं एक बार।
ये हील हो गए हम तो, चलो हील हो गए हम तो, हील हो गए हम। ठीक है ठीक है। यस, या, अब वापस नहीं करवाना हील। मिस्टर ओपावर भी खड़े वहां। वो कहते हैं कि एनिस्टा सिटी सनडायल मैन्युफैक्चर कभी भी नहीं हो सकता था, लेकिन मैं सोचती हूँ कि इतने सालों पहले इसको बना कैसे सकते हैं, क्योंकि वो अभी भी नई टेक्नोलॉजी के साथ भी नहीं बन सकता। हाँ वही यार, बहुत इम्पॉसिबल काम है, देखेंगे कैसा है सनडायल। हे चलो, हाँ ठीक है, बकवास इसकी नहीं करनी मुझे मिमिक्री, ये तो बस ओ पावर देते रहते हैं, पता नहीं क्या काम आते हैं, मैं तो आज तक यूज भी नहीं किया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ बेकार बातें नहीं, चल तू यहाँ से निकल, नहीं तो लात मार के निकालेंगे। चलो गई है वो तो हमसे डर के, इससे भी बात कर लेते हैं एक बार। पोकेमोन को थोड़ा करना है हमें आगे पीछे, ऑर्गेनाइज आइटम जो किया मैं, ऑर्गेनाइज पोकेमोन करना है, पोकेमोन ऑर्गेनाइज बॉक्सेस करना है, पोकेमोन भी नहीं। मूव चार्ली को तो नहीं करूँगा, थोड़ी आवाज़ के लिए सॉरी 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 सॉरी, तो मूव करूँगा मैं इसे भी। नहीं यार, सबके लेवल अच्छे हैं, तो मैं एक बार किसको हटाऊँ, इसको यार थोड़ा लेवल अप की ज़रूरत है, इसको तो रखना पड़ेगा जब से, नहीं तो इसे एक्सपीरियंस ही नहीं मिलेगा। चलो हम लुकारियों को मूव कर लें क्या? ठीक है चलो, लुकारियों को एक बार के लिए हटा देते हैं, उसकी लेवल भी बहुत है 46। थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ यार, मैं लेआउट भी नहीं चेंज करूँगा इसके लिए। चलो अब रेयर कैंडी जूस ये हो गया, चलो हो गई एलिवेटेड 40 लेवल। अब क्या, वाह चलो, मैंने सोचा ही था कि इवॉल्व होगा और हो गया, अब मज़ा आ गया। अरे चलो इवॉल्व हो रहा है, चुन 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 चुन। कैसी आवाज़ आती है जब इवॉल्व होता है कोई पोकेमॉन? चुन 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 चुन। चलो इवॉल्व हो गया सेंटम एबएमएस स्नो में, ठीक है अब उसको मैं एबएमएस स्नो नाइट दूंगा मैं। अब तो यार बहुत लंबा हो चुका है एपिसोड, पिछली वाला कुछ ज़्यादा ही लंबा था ना मेरा एपिसोड, आज वाला थोड़ा छोटा होगा। एबएमएस स्नो नाइट कहाँ है? अच्छा ये रहा ना, फिर भी अरे मैं भूल गया कहाँ रखा है मैंने। इस वाले कॉलम में मिलेगा या कहीं और मिलेगा? एवरस्टोन डेस्टिनोट व्हिप्ड क्रीम डस्क बॉल डस्क बॉल, क्या अजीब करीब चीज़ें मिलती रहती है मुझे। और कुछ है? हाँ चलो यूज़ करते हैं। हाँ चलो हो गया, चेंजम थिंक चेंज हो गई, अब इनसे बात करते हैं। जब भी मैं इनकाउंटर करता हूँ एक नए वर्ड को, तो मैं उसकी मीनिंग जानने के लिए बहुत जिज्ञासा में रहता हूँ, और नए वर्ड्स को लर्न करना बहुत अच्छा होता है। हाँ भाई, मैं एबल नहीं कर सकती कि मैं लव करूँ वो क्यों उनको, लेकिन बहुत मज़ा आता है। चलो सब्स्टिट्यूट दे दिया, मुझे समझ नहीं आया इसने क्या कहा, इस कारण मैंने कुछ भी बोल डाला, जो भी मेरे दिल में आया वो बोल डाला। हाँ चलो टीएम को मुझे पता है सब्स्टिट्यूट करने में काम आता है, और किसी एक दो मोहतरमा से बात करते हैं और फिर एंड करते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मैं पोकेमोन की मेमोरी रीड कर सकती हूँ, इस कारण मेरा नाम मेमोरी गर्ल है। ठीक है रीड करो। ओ हमारी किसकी करवाएं, लुकारियों की, लुकारियो बता। ओरा ओरा एश ने जब कॉट किया था, जब स्नोवर भी था, अच्छा हाँ स्नोवर था जो उस समय कॉट किया, ये क्या बात है, स्नोवर का याद है हमारे ओरा को, ये भी कोई बात है, ऐसी चीज़ कौन याद रखता है, हमारे बारे में कुछ याद रखता तो मज़ा आता रे।
चल छोड़ो अब बकवास बातें, इस घर में जाने का रास्ता ही नहीं है, पता ही नहीं कैसे करें इस। हाँ यार बहुत लंबा हो चुका है एपिसोड, अगले एपिसोड मिलेंगे, और बाय बाय गाइस, और अगले एपिसोड मिलेंगे यार। थोड़ी मोटिवेशन के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो, और अगले एपिसोड में इसको एक्सप्लोर भी करेंगे और जिम भी करेंगे, और भैया लाइक सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ 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 कर देना भाई, कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और मैगा एवेंस नो भी देखने को।